नमस्कार, बिहार न्यूज के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और आज के इस कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जो काम की लिस्ट है वो काफी लंबी है, लेकिन अगर हम शॉर्ट वे में बात करें तो चाहे बात हो अपने फंड से सड़क बनवाने की, रेलवे परिसर में पार्क बनवाने की, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगवाने की, जगह जगह पर कूड़ेदान लगवाने की, या फिर ठंड के मौसम में गरीबों के बीच कंबल वितरित करवाने की, ये सभी काम जो भी इनके गांव के लोग जिस चीज़ से खुशहाल रह सके अपने गांव के उत्थान के लिए इन्होंने हर एक सामाजिक कार्य किए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ अजय कुमार सिंह की, जो कि पुनपुन के अलाउद्दीनचक गांव से बिलोंग करते हैं। तो चलिए सीधे हम उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर इतना कुछ करने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। अजय जी, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। हेलो, नमस्कार मैडम जी, आपको एवं पूरे बिहार वासियों को मेरे तरफ से सादर नमस्कार जी। धन्यवाद सर। क्या है कि जितने भी अच्छे पल होते हैं या फिर एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत होती है वो शिक्षा से ही होती है, तो हम शुरुआत भी शिक्षा से करेंगे। आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और कहाँ तक? मैडम, शुरुआती दिनों में मैं पुनपुन के स्कूलों में पढ़ता था, जैसे रामानंद सिंह उच्च विद्यालय में भी मैं पढ़ा हूँ, दसवीं तक वहाँ तक शिक्षा ग्रहण की जी। उसके बाद मेरी बहन जो चिकसौरा रहती थी, गांव का माहौल कुछ ठीक ठाक नहीं था, इसलिए मेरी बहन वहां पर ले जाकर चिकसौरा हाई स्कूल में मेरी शिक्षा दिलवाना शुरू की और मैट्रिक की परीक्षा हमने वहीं से पास की जी। लेकिन अगर हम बात करें खेती की, तो खेती की तरफ झुकाव आपका कब से हुआ? मुझे बचपन से ही खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, इन सभी चीज़ों से काफ़ी लगाव रहता था और मैं माहौल को सुंदर बनाकर रखने के तरफ घर में भी, गलियों में या फिर खेतों में, मैं ऐसा चाहता था कि एक सुंदर वातावरण का निर्माण जी। आप चूंकि एक सीमांत किसान थे, इसके बावजूद आपने मसूर में इतने सारे उत्पादन कैसे कर लिए? मैडम, ये मेरा हॉबी रहा है कि मैं किसी भी चीज़ को अपने हाथों में लेता हूँ या फिर उसे करता हूँ तो मेरे अंदर एक जुनून सा आता है और मैं उस चीज़ को बिल्कुल ही सफलतापूर्वक करता हूँ जी। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस काम को भी अगर हम करें उसमें मन लगा कर काम करें तो वहाँ से हमें सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन हमने सुना है कि शुरुआती दौर में आप किसी और के ज़मीन पर पट्टे पर ले करके उसमें खेती करते थे और उस टाइम आपको वो सफलता मिली भी नहीं थी, तो उस समय का जो सिचुएशन होता है एक किसान के लिए, उसे मैं आपके आपके अनुसार जानना चाहूँगी। मैडम देखिए, हम लोग के गांव में उस समय जिस समय हम पढ़ते थे तो ऐसा स्थिति था कि लड़कों की शादी 20 साल या फिर 18 साल में ही कर दी जाती थी। ठीक उसी पैटर्न पर मेरी भी शादी 20 साल की उम्र में हो चुकी थी और मेरी बच्चियां दो हुई और फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा परिवार बढ़ाना ठीक नहीं है और ख़ासकर मैं लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं मानता जी, जी, जी। इसलिए हमने लड़कियों की अच्छा शिक्षा की व्यवस्था की और उसे अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास उस समय उतने पैसे नहीं होते थे जिससे कि मैं उसे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में भेज सकूं, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों की शिक्षा बिल्कुल अच्छे ढंग से कराई। बड़ी लड़की साइंस कॉलेज से एमए की है जी। और छोटी लड़की पटना कॉलेज से एमए की है और इसी तरह से मेरी जिम्मेवारी बढ़ती गई। मैं पारिवारिक, उसको क्या कहते हैं, पारिवारिक बोझ कहिए, पारिवारिक बोझ के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, उसके कारण मैं आगे पढ़ न सका
और खेती के प्रति मेरा रुझान बढ़ता गया। मेरे एक मित्र थे जिनकी 15 बीघे की जमीन थी, वो सारी जमीन मेरे को पट्टे पर दे दिया और कुछ हमारी जो जमीन थी कुल मिलाकर 22-23 बीघे पर हमने खेती करना प्रारंभ किया और खेती को उन्नत बनाने की भरपूर कोशिश की। मसूर का फसल पाला से ख़राब हो जाता था, उसको मैंने वैज्ञानिक विधि से उपजाने की कोशिश की और अधिक से अधिक उपज लिया और मेरे कारण अगल बगल के लोग भी उससे सीखे और उन्होंने भी अच्छी फसल लेने की शुरुआत की जी। और उन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आया जी। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, एक नई तकनीकी से काम कर रहा है और उसे फसल में बढ़ोतरी मिल रही है तो दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा ले और सीखे कि ये काम किस तरह से होता है, तो उससे भी उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम बात करें रियल इस्टेट की, तो अचानक खेती से रियल इस्टेट में आना, ये कैसे हुआ? उस समय जब हम खेती किया करते थे तो पुनपुन उतना विकसित नहीं था। उसी समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, बिहार की हालात सुधरी और वहाँ पर भी लोग आने लगे जी। आकर मकान बना कर रहने की जो एक ख्वाहिश होती है कि मेरी भी मकान पटना में हो, चूँकि पटना और पुनपुन की दूरी बहुत कम है इसलिए लोगों ने वहाँ बेहतर समझा अपना मकान बनाकर रहने के लिए और तब मेरा रुझान रियल एस्टेट की तरफ गया और हमने ज़मीन लेनी शुरू की और लोगों से उसका बिक्री भी किया और धीरे धीरे आज हमारा जो कंपनी है वो काफ़ी ऊंचाई छू रहा है। पुनपुन का विकास कैसे हो मैं यही सोचता हूँ और मैं जो भी इनकम होता है रियल एस्टेट के माध्यम से या फिर खेती के माध्यम, मैं आज भी खेती करता हूँ जी जी जी, वो आधे पैसे हम समाज कल्याण में लगा देते हैं और आधे पैसे अपना जो भी हो अपना खर्च के लिए रखते हैं। चलिए ठीक है, आपने ये बताया कि रियल एस्टेट से जो भी पैसा आता है उसका जो आधा कमाई होता है वो आप लोगों के लिए लगाते हैं, सामाजिक कार्य में लगाते हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं आपको शुभकामना भी इसके लिए देती हूँ कि आपका जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है वो आगे बहुत अच्छा करे, आप बहुत सारे मुनाफे कमाएँ और इसके साथ ही जो पुनपुन के लोग हैं वहाँ के लोगों को भी सौगात मिलती रहे। तो चलिए हम आपके कार्यों पर आते हैं, आपने जो भी सामाजिक कार्य किए हैं उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें स्टेशन परिसर में पार्क बनवाने की, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हाँ यहाँ पर एक पार्क होना चाहिए, उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए, इसके लिए पाटलिपुत्र के सांसद ने आपकी तारीफ भी की थी? चूंकि पुनपुन स्टेशन और मेरा ऑफिस जो है बिल्कुल सटा हुआ है, आमने सामने जी, जब मैं ऑफिस में बैठा करता था तो स्टेशन की गंदगी देखकर मुझे काफी गंदा फील होता था, अच्छा फील नहीं होता था। मैं हमेशा से सफाई पसंद और अच्छे वातावरण में रहने वाला व्यक्ति था, मुझे लगा कि क्यों न कुछ खर्च करके इस स्टेशन परिसर को साफ बना दिया जाए और मैंने उसे साफ सुथरा बनाना शुरू किया, मुझे सफलता मिली, आज एक सुंदर पार्क बनकर खड़ा हो गया है और लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं। तो अब आपको ऑफिस से बैठकर जब आप उस पार्क को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? उस समय मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब पार्क में लगे हुए हरे हरे पौधे और जिसे मैं अपने ऑफिस से बैठकर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमने भी कुछ किया।
अच्छे काम किया, अच्छे काम किया, हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है जी। हमने ये भी सुना है कि आपको पेड़ पौधों से काफी लगाव है, ये खेती के बाद, खेती में आने के बाद हुआ या फिर आपको बचपन से ही लगाव था पेड़ पौधों से? बचपन से था, मुझे पेड़ पौधे फूल पत्ती से बहुत लगाव था, बचपन से था जी। हमने सुना है कि आप अपने निजी फंड से सड़क का भी निर्माण कराया है, ये तो आमतौर पर सरकार के काम होते हैं लेकिन फिर भी आपने इसे निजी फंड से किया, तो आपने ये क्यों सोचा कि हाँ मुझे अपने निजी फंड से काम करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें सरकार की भी मदद ले सकते थे लेकिन फिर भी आपने ये करा, ये कैसे हुआ? देखिए मैडम, हम लोग बिजनेस से, जो हम लोग का बिजनेस है उसे मैं हमेशा सोचता हूँ कि लाभ जितना कम हो, लेकिन अगर हमारे रोड बना देने से अन्य व्यक्तियों को फायदा हो, चूँकि मैं वहाँ पर ज़मीन खरीद चुका था और उसमें जाने के लिए एक रोड की कमी थी, तो हमने रोड बनवाया और इस बात को ध्यान में रखते हुए बनवाया कि इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगा। जी बिल्कुल, सड़क निर्माण एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि तो अगर उससे उस सड़क से, थोड़ी सी सड़क थी आधा किलोमीटर के लगभग, और उससे करीब 2000 की आबादी बिल्कुल वंचित थी अच्छी सड़क के लिए। हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए, मेरा बिजनेस भी जुड़ा हुआ था उसमें, ऐसा नहीं है, और हमने वो सड़क की निर्माण कराई। चलिए ठीक है, ये आपने बहुत ईमानदारी यहाँ पर दिखाई कि ठीक है हमने लोगों के लिए तो किया ही, इसके साथ भी मेरा भी यानी कि आपका भी बिजनेस वहाँ से जुड़ा हुआ था, तो इससे आपको भी फायदा हुआ, यहाँ तक कि जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे उन्हें भी काफ़ी फायदा पहुँचा, क्योंकि सड़क के लिए तो लोग तरसते हैं कि एक अच्छी सड़क हमें नसीब हो। तो और बात करते हैं आगे कि कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब होते हैं वो ठंड के मौसम में कंबल की वजह से, कंबल नहीं होने की वजह से वो मौत उनको नसीब हो जाती है, लेकिन ऐसे हालत में ठंड के मौसम में आप गरीबों को कंबल का वितरण करते हैं, तो ये आपको गरीबों के प्रति जो ये प्यार है वो कैसे उमड़ा? मैडम शुरू से ही मैं जब किसी गरीब को देखता था, उसे लाचार देखता था, तो मुझे बहुत ही अपने आप में ग्लानी महसूस होती थी कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते या मैं ऐसा होता कि मैं इसकी मदद कर सकूं। तो वो सोच आज भी मेरे अंदर जिंदा है, और जब भी मैं देखता हूँ कि कोई गरीब कंबल के कारण ठिठुर रहा है या फिर जाड़े के मौसम में उसे किसी भी तरह से कंबल लेने का पैसे की अथी ज़रूरत पूरा नहीं हो रही है, तो ऐसे में मैं कंबल का वितरण करवाता हूँ। जो भी बिल्कुल गरीब तबके के लोग होते हैं उनको मैं कंबल देता हूँ जी, और मैं यह क्रम सालों साल जारी रखना चाहता हूँ जी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं वो आपसे जुड़े रहे, ताकि आपके अनुसार और आपके द्वारा उन्हें मदद मिलता रहे। और अगर हम बात करें, वहाँ के कई ऐसे गरीब घर की बेटियाँ हैं जिनकी शादी आपने राशि दे करके उनकी शादियाँ करवाई है, तो ये कैसे हुआ, आपको ऐसा क्यों लगा कि हाँ भाई अगर ये गरीब की बेटी है तो कुछ दान कर लिया जाए, इसमें अगर एक बेटी ब्याह जाती है कुछ पैसों की वजह से तो वो आप कर देते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? क्या हुआ मैडम, एक कैंसर पीड़ित आदमी थे, बेचारे बहुत गरीब थे, उन्हें कैंसर के इलाज के लिए पैसों की अति आवश्यकता थी और किसी भी तरह से उन्हें पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, ऐसे में हमने उनको 25,000 रुपये की मदद की। फिर लगा कि बेचारे कैंसर पीड़ित हैं, इनसे बाद में पैसा क्या लिया जाए, मैंने उनको बोल दिया कि ये जो आपका इलाज है उसमें 25,000 रुपया मेरा लगा रहेगा। उसके बाद मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना गांव में या फिर गांव के अगल बगल के गरीब की जो बेटियां हैं
और आजकल जानते ही हैं मैडम, शादी में कितना खर्च होता जी, है। बिल्कुल। मेरे तरफ से अगर थोड़ी सी भी मदद कर दी जाए तो उस गरीब का भला हो जाएगा। और इसी सोच के तहत हमने अपने गांव के अभी तक 4 दलित लोग हैं, उनकी बेटियों में हमने उनकी बेटियों की शादी में हमने मदद की है। और वो मदद बिल्कुल छोटा मानता हूँ मैं, ऐसा मानता हूँ कि इसे मेरे पास इतना एबिलिटी हो कि मैं पूरी की पूरी उसकी शादी कर दूँ, तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने उनके बारे में, एक फैमिली के बारे में, एक गरीब फैमिली के बारे में आपने इतना कुछ सोचा। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करें अगर अपनी सरकार की, यानी कि खास करके नीतीश सरकार की, तो वो सड़क बनवाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और सुशासन के नाम पर, खास करके ज़्यादातर सड़क बनवाने के नाम पर लोगों का ऐसा कहना भी है कि उनके समय में, उनके शासन के समय में जो गांव-गांव है सब जगह सड़कें बन गई है, लेकिन कभी भी कोई स्ट्रीट लाइट की बात नहीं करता। लेकिन आपने स्ट्रीट लाइट भी बनवाया, जगह जगह पर लगवाए, ये क्यों? देखिए मैडम, मैं नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही दिल से, या यूँ कहिए नीतीश कुमार जी हमारे दिल में बसते हैं जी। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, मैं उनके कार्यों से प्रभावित हूँ और उनका जो सोच है, मुझे लगता है कि उनके जो लोग हैं उसे धरातल पर उतारने में नाकाफी हैं, उन्हें अच्छे अच्छे लोगों की ज़रूरत है और बिहार का विकास तो वे कर ही रहे हैं, उसमें गति की ज़रूरत है जी। मैं चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से अपेक्षा करता हूँ कि आप जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं थोड़ा उसमें गति प्रदान करें जी। अजय जी, जो पुनपुन के लोग हैं उनकी नज़रें अब आप पर ही टिकी हुई हैं, तो उनकी उम्मीदों को आप कैसे कायम रखेंगे? मैं पुनपुन के लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे कहीं भी किसी भी तरह की कुव्यवस्था लगेगी उसे मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अच्छे अच्छे जितने भी कार्य होंगे मैं करता रहूँगा और करता रहूँगा जी। चूंकि आप एक समाज सेवी हैं, तो हमारे समाज और बिहार वासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार वासियों को केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सारे लोग बार बार कह रहे हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आगे आइए और केवल अपने घर के आसपास ही सफाई कीजिए, सफाई कीजिए, सुंदरता प्रदान कीजिए, अच्छा माहौल बनाइए और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कीजिए। इसमें सबका भला है जी और सबकी उन्नति होगी जी। बिल्कुल, एक स्वच्छ भारत बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अजय जी, आपका बिहार न्यूज़ से इतनी सारे बातें जो है वो करने के लिए, लोगों को इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए और साथ ही पुनपुन के जो लोग हैं उनके लिए इतने सारे कार्य करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ एक समाज सेवी अजय कुमार सिंह बने हुए थे, जिन्होंने अपने गांव अलाउद्दीन चक में कई सारे कार्य किए हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया भी। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।